जानकारी ये है कि कुर्सीपार गेट में एक हादसा होता है और हादसे में लोकेश की मौके पर ही मौत हो जाती है और जो दोनों दोस्त हैं वो गंभीर रूप से घायल रहते हैं, जिन्हें सुपेला के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल से रेफर किया जाता है। इसी स्पॉट पर, इसी जगह पर यह हादसा होता है। हीरो की एक्सट्रीम गाड़ी है, CG10X0329 गाड़ी नंबर है, और सामने से मैं चाहूँगा यह हालत दिखाना कि किस रफ्तार से आके वो लोग ठोके होंगे। सामने का पूरे पर खच्चे हैं वो उड़ चुके हैं। किस ट्रक को आखिर इस गाड़ी ने जो है ठोकर मारी थी, जिसके बाद ये पूरा हादसा हुआ और जिसके बाद जो लोकेश है उसकी मृत्यु हो गई। तस्वीर में आप देख सकते हैं ये ट्रक है जिसमें सामान लोड है, अभी अंदर क्या लोड है इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है। नशा नाश है, और ये मैं पहली बार नहीं कह रहा, बार बार अपनी हर एक उस हादसे की स्टोरी में बताते हैं हम जिसमें नशे का सेवन होता है, जिसमें शराब पीकर लोग गाड़ियां चलाते हैं, चाहे वो ठोकने वाला हो या ठोकर खाने वाला हो। शराब गलत हर बार साबित होती है। इस बार भी फिर ऐसी ही कुछ घटना हुई। लगभग शाम के 8 से 9 बजे के दरमियान 3 लड़के एक बाइक में सवार होके रायपुर से दुर्ग की ओर जा रहे होते हैं, और इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं इसी स्पॉट पे कुर्सीपार गेट, कुर्सीपार ये जो चौक है, तिराहा है, यहां पर हादसा होता है। सिग्नल में एक ट्रक आकर रुकती है, राजस्थान नंबर प्लेट वाली ट्रक। उस ट्रक के पीछे से 3 दोस्त हीरो एक्सट्रीम बाइक में आते हैं, और तीनों दोस्त शिव, लोकेश, पंकज, ये 3 दोस्त जो हैं नशे की हालत में यहीं से गुजर रहे होते हैं। उनको खड़ी ट्रक दिखाई नहीं देती है और बाइक से सीधा ट्रक के पिछले हिस्से में ठोकर मार देते हैं, और ठोकर मारने से जैसे ही ठोकर पड़ती है तो शिव और पंकज घायल होते हैं, और अपनी जान बचाने के लिए लोकेश जो है वो गाड़ी से कूद जाता है, और गाड़ी से कूदने से पीछे से आ रही गाड़ी से यह हादसा हो जाता है और लोकेश जो है उसकी मृत्यु मौके पर ही हो जाती है। 23 वर्षीय लोकेश जांजगीर चांपा का रहने वाला, जो रायपुर में कूलर और फ्रिज के दुकान में काम करता था। अब वो दुकान कौन सा है इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। उसका एक दोस्त जो है वो भिलाई में ही डिल्लन होटल में काम करता था। अब वो रायपुर से भिलाई क्यों आ रहे थे, शराब का सेवन उन्होंने कहाँ किया, क्या कुछ चीज़ें चल रही थी, और तीनों दोस्त ने आज मिलने का प्लान कैसे किया, इस बात की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। मगर जानकारी ये है कि कुर्सीपार गेट में एक हादसा होता है और हादसे में लोकेश की मौके पर ही मौत हो जाती है, और जो दोनों दोस्त हैं वो गंभीर रूप से घायल रहते हैं, जिन्हें सुपेला के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल से रेफर किया जाता है। इसी स्पॉट पर, इसी जगह पर यह हादसा होता है। यहाँ पर ट्रक के कुछ टुकड़े भी मौजूद है, पिछले हिस्से में साज सज्जा की चीज़ें लगी होती है, जो लकड़ी लगे रहते हैं वो लकड़ी भी मौजूद है। ये ट्रक का ही वो टुकड़ा है जहाँ एक्सीडेंट होने की वजह से ये टूटा है, और उसके बाद लोकेश ने अपना दम तोड़ दिया। आगे हम आपको वो गाड़ी भी दिखाएंगे जिस गाड़ी से लोकेश सफ़र कर रहा था और जिस ट्रक में ठोकने से ये हादसा हुआ। परिवार वालों से भी बात करने का प्रयास करेंगे, आप बन रहिए वीडियो में। इस वक्त हम कुर्सीपार थाने में मौजूद है जहाँ पर एक्सीडेंट हुई गाड़ियों को लाया गया है। ये वही बाइक है जिस बाइक में 3 युवक जो हैं वो सवार थे, और ये तीनों युवक रायपुर से भिलाई की ओर आ रहे थे, और कुर्सीपार गेट में जैसा कि हमने आपको लोकेशन दिखाया वहाँ पर सिग्नल में ट्रक खड़ी होती है, और ट्रक खड़ी ट्रक को पीछे से ठोकर मारते हैं, और गाड़ी की कंडीशन आप देख सकते हैं जिस प्रकार से हीरो की एक्सट्रीम गाड़ी है, CG10X0329 गाड़ी नंबर है, और सामने से मैं चाहूँगा यह हालत दिखाना कि किस रफ्तार से आके वो लोग ठोके होंगे। सामने का पूरे पर खच्चे हैं वो उड़ चुके हैं, पूरी तरीके से गाड़ी सामने वाला पार्ट जो है ध्वस्त हो चुका है, और जो मृतक है लोकेश वो पिछली सीट पे बैठा होता है और अपनी जान बचाने के लिए इस पिछली सीट से कूद जाता है साइड में, और तभी अचानक पीछे से एक गाड़ी आती है जो लोकेश के ऊपर से गुजर जाती है, जिससे लोकेश जो है वो मौके पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है, और बाकी जो दो शख्स हैं, जो दो दोस्त थे, वो दोनों घायल हैं। हम परिजनों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि उनको क्या कुछ जानकारी मिली, उनको क्या कुछ पता चला है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि जो ट्रक से एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि ये बाइक है, एक्सट्रीम बाइक है, ये बाइक एक्सीडेंट होने जिस ट्रक को जाके पीछे से ठोकी है वो राजस्थान पासिंग गाड़ी है, और वो ट्रक भी बाहर खड़ी है,
उस ट्रक को भी हम आपको दिखाएंगे कि किस ट्रक को आखिर इस गाड़ी ने जो है ठोकर मारी थी, जिसके बाद ये पूरा हादसा हुआ और जिसके बाद जो लोकेश है उसकी मृत्यु हो गई। तस्वीर में आप देख सकते हैं ये ट्रक है जिसमें सामान लोड है, अभी अंदर क्या लोड है इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है, मगर इसी ट्रक को पीछे से जो है वो लोकेश के साथी ने ठक्कर मारी थी और ये RJ09GC9785 ट्रक है और इसी ट्रक से टक्कर हुई थी। राजस्थान पासिंग ये ट्रक है जो सिग्नल में खड़ी होती है, ट्रक जैसा कि अभी तक जानकारी मिल पाई है ट्रक की कोई गलती नहीं है, ट्रक सिग्नल में खड़ी होती है तभी अचानक से तेज़ रफ्तार से गाड़ी आती है और इस जगह पे ये जो है एक्सीडेंट हुआ है। आपको गाड़ी के जो हेडलाइट है उसके टुकड़े भी यहाँ पर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, इसी जगह पर गाड़ी ठोकर मारी है और जिसके बाद उनके दोनों दोस्तों को चोटें आई हैं। परिजन क्या कुछ इस मामले में कह रहे हैं या उनको जानकारी कैसे मिली ये हम आपको आगे स्टोरी में बताएंगे, बन रही हमारे साथ। शख्स हमारे साथ हैं जो जिसकी मृत्यु हो गई है, उसके पिता को रायपुर से लेकर आए हैं क्योंकि वो परिवार जो है वो रायपुर में रहता था और उनके पिता के साथ काम करते हैं। आपका नाम? हिसन यादव। जो जिनकी मृत्यु हुई है लोकेश, उनके पिता आपके साथ काम करते हैं? जी मेरे साथ। क्या चीज़ का काम करते हैं? मैं नाश्ता ठेला डालता हूँ, मेरे साथ काम में आता हूँ। अच्छा, आप ही का नाश्ता ठेला है? जी मेरा है। अच्छा, कब से आपके साथ काम कर रहे हैं? मेरे पास 1.5 महीना हो गया। तो इनका पूरा परिवार रायपुर में रहता है? हाँ, अभी पूरा रायपुर में है। ठीक है, और इनके बेटे जो हैं जिनकी मृत्यु हुई है वो कहाँ रहते हैं, वो कहाँ काम करते हैं? वो कूलर फ्रिज के दुकान में काम करता था, लेकिन पता नहीं, हम लोग को कभी बताया नहीं है कि कौन सा दुकान में करते हैं, कहाँ करते हैं, ये बात कभी बताया नहीं हमें। आप लोगों को कैसे सूचना मिली कि एक्सीडेंट हुआ है और कौन बताया आपको? मेरे को तो एक कॉल आई थी, जो एम्बुलेंस वाले भैया जो बात किए थे वो बोला कि एक्सीडेंट हो गया यहाँ। आप ही को कॉल किए थे कि उसके पिताजी को कॉल किए थे? वो उसके पिताजी मेरे को कॉल करके बुलाया कि मेरा लड़के का एक्सीडेंट हो गया, चलो आते हैं थोड़ा हॉस्पिटल से, उसके नाम से मैं लेकर। आपका कहाँ रहना होता है? मोहा दुबे कलोनी बालाजी के पास। अच्छा, वहाँ तो वहाँ से कितने बजे आपको उनके पिता का फ़ोन आया? मेरे को करीबन 8:30 बजे करीब। 8:30 बजे आप तुरंत लेके यहाँ पहुँचे? गाड़ी लेके उसके घर गया, उसके घर से इसको उठा के तुरंत इधर आए। यहाँ आने के बाद क्या पता चला, क्या कुछ जानकारी मिली? यहाँ आने के बाद वही बताएं कि अब लोकेश नहीं रहे, बस इतना ही। और कैसे कैसे हादसा हुआ, कुछ कोई जानकारी दी है? वो एक भैया बताए थे कि ट्रक के पीछे एक्सीडेंट हो गए, ट्रक यानी ट्रक वाले से टक्कर मार दें पीछे से। ट्रक वाले को ये लोग पीछे से टक्कर मार दिए? ये कितने लोग थे ये लोग? इन लोग तीन लोग थे। तीन लोग थे जी। परिवार में और कौन कौन है, क्या जानकारी है आपको अभी तक? इनके परिवार में मैं जानता हूँ, इसके एक पापा है, इसकी मम्मी, एक बहन है और एक होता है, इनके चार जने। तो बहन बड़ी थी या लोकेश? लोकेश बड़ा। लोकेश 23 वर्षीय लोकेश जी, छोटी बहन है जी। तो ये परिजन के साथ वाले थे और बाकी परिजन भी आए हैं, मगर हम उनसे बातचीत नहीं कर पा रहे क्योंकि घर वालों की स्थिति बात करने की नहीं है, क्योंकि घर में अभी किसी को जानकारी नहीं दी गई है कि लोकेश की मृत्यु हो गई, क्योंकि उनके पिता जो है उनकी हालत ख़राब है, वो इस श्रद्मा शायद बर्दाश्त ना कर पाए, तो कल सुबह उनको जानकारी दी जाएगी। अभी फ़िलहाल के लिए परिवार वालों को ये बताया गया है कि लोकेश जो है वो एडमिट है, मगर इतनी बड़े हादसा जो है ये एक लापरवाही की नतीजा है, क्योंकि आपको बता दें तीनों शख्स जो है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि तीनों शख्स शराब के नशे में धुत थे और अपनी जान बचाने को लेकर लोकेश जो है गाड़ी जैसी ही एक्सीडेंट होती है, गाड़ी जैसी ही ट्रक से ठुकाती है, वैसे ही लोकेश अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से कूदते हैं और कूदने के चक्कर में उनकी मृत्यु हो जाती है। बाकी जो दो शख्स जो दो दोस्त हैं वो एडमिट हैं, उनको सुपेला लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल से रेफ़र किया जा चुका है। बाकी क्या कुछ अपडेट है और इस हादसे के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बन रही हमारे साथ, धन्यवाद।